आज के वीडियो में कुछ सवालों का जिक्र करेंगे, उनके सोल्यूशन को देखेंगे और टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। क्वेश्चन देखें, पहला, मैं भाषा पढ़ रहा हूँ। ए सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, चार्ज गिवन टू इट इज 20 माइक्रोकूलम, इज प्लेस्ड इन साइड ए हॉलो स्फीयर ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। हॉलो स्फीयर है, उसके अंदर ये रेडियस 20 सेंटीमीटर है और इसके अंदर एक सॉलिड स्फीयर है जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है, रख दिया गया है। कह रहे हैं कि फाइंड हीट जनरेटेड इफ स्फीयर इज कनेक्टेड टू शेल बाय वायर। एक वायर से इसको जोड़ दिया गया है। सवाल कह रहे हैं कितना हीट जनरेट होगा ये बताइए। अब इसके सॉल्यूशन की बात शुरू होती है कि ये कम कैपेसिटी है, ये ज्यादा कैपेसिटी है, तो ये पूरा का पूरा चार्ज जो यहां का था पहुंच जाएगा यहां बड़े वाले पे, शेल। तो जो चार्ज छोटा स्फीयर रखे हुए था अब वो बड़े से शेल में चला गया है, तो ऑब्वियस है कि यहां पे जरूर फर्क पड़ने वाला है एनर्जी का। तो वो जो एनर्जी का फर्क होगा वही हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। चार्ज हमने कहा ऐसा है, तो ये q² / 2C1 इज द इनिशियल एनर्जी, माइनस q² / 2C2 इज फाइनल एनर्जी। और ध्यान रहे, यहां पे मैं एक बात लिख दे रहा हूं, होल चार्ज ऑफ स्फीयर विल मूव इनटू शेल, और कारण बता चुका हूं ज्यादा कैपेसिटी होने की वजह से। तो q² हो जाएगा, यह 20 माइक्रोकूलम है, 2 × 10⁻⁵ हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा 4 × 10⁻¹० / 2। 1/C1 की बात करोगे तो यहाँ आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी आ जाएगा, और 1/ यहाँ पे था पहले 10 सेंटीमीटर यानी कि 0.1 - 0.2। इसको सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा दैट विल बी 1.8 × 5, दैट इज 9 जूल हीट है। दिखने में सवाल काफी अजीब सा लगता है, लेकिन इसका सलूशन उतना कठिन नहीं था। बस इतनी बात ध्यान रखने वाली थी कि चार्ज का मूवमेंट शुरू हो जाएगा फ्रॉम स्मॉलर कैपेसिटी सब्सटेंस टू हायर कैपेसिटी। इसी के साथ हम आपको जो है लेके आते हैं दूसरे सवाल पे, और दूसरा सवाल कह रहा है कि ये हमारे पास तीन कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स हैं और ये सब के सब जो है इक्विपोटेंशियल, मैं सवाल की भाषा पढ़ रहा हूँ, 3 इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस आर शोन इन फिगर। इनका पोटेंशियल जो है ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है, और सवाल कह रहा है कि V1 - V2 = V2 - V3 ये गिवन है। V1 - V2 = V2 - V3 ये गिवन है। आगे की बात कह रहे हैं कि यहाँ पे जो ये थिकनेस है ये T1 है, ये T2 है, आपको बताना है कि T1 T2 में कौन बड़ा है और कौन छोटा है। ये R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया। V1 - V2 की अगर आप बात करोगे तो ये हो जाएगा K और Q कॉमन निकाल सकते हैं आप, यहाँ पे K Q कॉमन निकाल सकते हैं, तो 1/R1 - 1/R2 = V2 - V3 की बात करेंगे आप तो यहाँ पे हो जाएगा K Q और 1/R2 - 1/R3।
के क्यू का टर्म कट जाएगा, आर वन आर टू आ गया है, ये आर टू माइनस आर वन, ये आर थ्री माइनस आर टू, आर टू माइनस आर वन आप हमको दे रहे हैं टी वन है, ये टी वन हो गया टी वन अपॉन आर वन आर टू, ये टी टू अपॉन आर टू आर थ्री हो गया, और यहाँ पे आर टू कट जा रहा है, टी वन अपॉन टी टू बराबर आर वन अपॉन आर थ्री आ रहा है, और आप समझ गए होंगे कि टी वन अपॉन टी टू इज आर वन इज लेस देन आर थ्री, तो टी वन अपॉन टी टू इज लेस देन वन एंड टी टू इज ग्रेटर देन टी वन। सवाल की भाषा यही थी कि ये ऐसा है या ऐसा है या ऐसा है, कौन सा ऑप्शन हिट होगा ये आपको बताना था। दिस वॉज नेक्स्ट क्वेश्चन। और अब मैं आप लोगों को लाता हूँ एक और सवाल, जिसको आप देख लें खूब ध्यान से, बहुत अच्छे अच्छे शानदार जानदार सवाल हैं, इनको लगा करके आपके कंसेप्ट में पे और ज्यादा धार रखी जा सकती है, जो कि इन वीडियोस को बनाने का उद्देश्य है। सवाल अगली बात आ रही है, यहाँ पे कह रहे हैं कि जरा ये बताएं आप कि यहाँ पे तीन स्फीयर हैं और ये कंसेंट्रिक है, थ्री स्फीयर्स आर देयर कंसेंट्रिक ए बी सी, और यहाँ पे कहा गया है ए और बी को टच करा दिया गया है, ये ए रेडियस है, ये बी रेडियस है, ये सी रेडियस है, और इसे अर्थ कर दिया गया है। आपको कैपेसिटी बतानी है इस पूरे सिस्टम की, कैपेसिटेंस बताना है पूरे सिस्टम का, कैपेसिटेंस बताना है। अगर दो ही होते तो सी बराबर फोर पाई एप्सिलॉन जीरो आर वन आर टू अपॉन आर टू माइनस आर वन हो रहा होता। यहां पे भी एक्चुअल में दो ही है, अभी जो मैंने आपको पहला सवाल लगाया था यहाँ पे ए और बी को टच कराया गया है, ए की कैपेसिटी कम है बी की कैपेसिटी ज्यादा है, तो पूरा का पूरा चार्ज ए से चला जाएगा बी में, तो एक्चुअल में ये कन्वर्ट होके रह जाएगा कुछ ऐसा, ऐसा ये और ये ऐसा, ये बी हो गया है और ये सी हो गया है, ये काम का रहा ही नहीं। तो जो फॉर्मूला आपको याद है कि सी बराबर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर वन आर टू अपॉन आर टू माइनस आर वन है, तो यहाँ पे आर वन बी हो जाएगा और आर टू सी हो जाएगा, और ये कैपेसिटी कैपेसिटी सी बराबर हो जाएगा फोर पाई एप्सिलॉन नॉट सी बी अपॉन सी माइनस बी, ये हुआ कैपेसिटी इस सिस्टम का यहाँ पे। तो यहाँ पे एक्चुअल में जो ये ए था ये साइलेंट फैक्टर बन गया था, सच्चाई यही है। अगले सवाल पे लेके आते हैं आपको, ये पोटेंशियल से और इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड सवाल है, कह रहा है ये सवाल कि अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज y i कैप प्लस एक्स जे कैप, y i कैप प्लस एक्स जे कैप इज गिवन, तो कह रहे हैं कि इसका पोटेंशियल आपको निकालना है इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई। कैसे निकलेगा ये, डीवी बराबर माइनस का ई डी आर करना पड़ेगा, और आपको जब भी ऐसा हो तो वर्क पाव एनर्जी में या जहां कहीं पे दो वेक्टर का प्रोडक्ट लेना हो रहा है वहां पे आप इसको ऐसे लगा सकते हैं, आई डी एक्स प्लस जे डी वाई प्लस के डी जेड, ऐसा कर सकते हैं आप। और वी बराबर डी वी बराबर मैंने कहा था आपको कि माइनस का ई डी आर करना होगा, डॉट भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये इंटीग्रल हो रहा है, इंटीग्रल हो रहा है, तो ये वी हो गया, और यहाँ पे ये वाई आई कैप y i कैप प्लस x j कैप डॉट i d x प्लस j d y प्लस k d z, ऐसे ले लेना होगा इसे। v बराबर क्या आने वाला है, कहेंगे आने वाला है
माइनस में वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई है, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई है। और ये जरा ध्यान से आप देखें यहाँ पे कि ये सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशियल प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशियल एक्चुअल में ये ऐसा हो गया है, कैपिटल डी एक्स वाई हो गया है, कैपिटल डी एक्स वाई। कैपिटल डी का मतलब डिफरेंशिएशन से है, आप इंटीग्रेट कर रहे हो, लिमिट यहाँ पे कोई है नहीं, तो आपको कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा। और ये इंटीग्रेशन और ये डिफरेंशियल डिफरेंशियल ये उल्टे उल्टे प्रोसेस, v बराबर माइनस का एक्स वाई प्लस सी हो जाएगा। अगली बात यहाँ पे हम आपको जो है एक और सवाल पे लाएंगे, एक और सवाल, ध्यान रहे ये सवाल वर्क पाव एनर्जी में भी बनता है और फिजिक्स में हर उस जगह पे ये बन सकता है जहां पे दो चीजों के डॉट प्रोडक्ट से कोई तीसरी चीज निकलती है। तो अब बात यहां पे एक सवाल हम लोग और देखेंगे, उनके बारे में भी जरा देखें ध्यान से। कहा जा रहा है कि ये एक हमारे पास स्फीयर, ये एक स्फीयर, इनके रेडियस के बारे में कहा गया है कि ये 2r है और ये 3r है, और यहां से सेंटर से r दूरी पे एक चार्ज प्लस q रखा हुआ है, दिया रखा गया है। अब मैं सवाल की जो है जरा भाषा पढ़ दूं। ए पॉइंट चार्ज q इज प्लेस्ड इनसाइड ए कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल ऑफ इनर रेडियस 2r एंड आउटर रेडियस 3r एट डिस्टेंस कैपिटल आर फ्रॉम सेंटर, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर पूछा गया है यहां पे। यहां पे आपने चार्ज देकर रखा हुआ है ये क्यू, यहां पे चार्ज जो आने वाला है वो पॉजिटिव 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 आ जाएगा, यहां पे चार्ज नेगेटिव नेगेटिव आ जाएगा, और यहाँ पे चार्ज इंड्यूस होकर के आ जाएगा पॉजिटिव पॉजिटिव। पोटेंशियल पूछा गया है हमसे एट सेंटर, तो V बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R करना होगा। तो यहाँ पे आप Q अपॉन R हो गया है ड्यू टू दिस चार्ज, और सेल की वजह से चार्ज, सेल की वजह से पोटेंशियल आ जाएगा माइनस का क्यू अपॉन टू आर, फिर बाहर वाले सेल की वजह से आ जाएगा क्यू अपॉन थ्री आर। तो क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर जरा बाहर निकाल लिया जाए तो वन माइनस वन बाई टू, वन बाई टू प्लस वन बाई थ्री क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर, छ हो गया, पांच हो गया, और ये v की वैल्यू आ गई है 5q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या मल्टीप्लाई ही कर दिया जाए तो 24 पाई एप्सिलॉन नॉट r इज द आंसर। इन बातों को खूब अच्छे से ग्रेस्प करें, यूज करें, जो बताया गया है उनको सोच सोच करके समझ समझ करके याद करके आप अपने कंसेप्ट और भी ज्यादा बिल्डअप कर सकते हैं। इसी के साथ ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।